गुड मॉर्निंग बेटा, कल हम कलर कोड पढ़ना शुरू किया था हमने कल कि कार्बन रजिस्टर होते हैं। कल मैंने आपको बता चुकी हैं छोटी छोटी बातें कि कार्बन रजिस्टर होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर रजिस्टेंस होता है, जिसकी एक पर्टिकुलर आर की वैल्यू होती है ना। उस रजिस्टर पे आर की वैल्यू नहीं लिखी होती, उस रजिस्टर पे कलर्स की कोडिंग की जाती है। क्या की जाती है? कलर्स की कोडिंग का मतलब क्या है? डिफरेंट कलर्स की स्ट्रिप्स बनी होती हैं। क्या बनी होती हैं? डिफरेंट कलर्स की स्ट्रिप, और पर्टिकुलर हर कलर की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। क्या होती है? एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है हर कलर की, क्लियर बेटा? तो कह रहा है इस तरह से हम उन स्ट्रिप्स के कलर्स की कोडिंग करेंगे, हमें उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का आर मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? उस रेजिस्टेंस का आर मिल जाएगा। जैसे ये ऐसे बने होते हैं रजिस्टर, जैसे ये कोई भी कार्बन रजिस्टर है, तो इस तरह से उस पर डिफरेंट कलर्स की स्ट्रिप बनी होती हैं। डिफरेंट कलर्स की क्या बनी होती हैं? स्ट्रिप 1, 2, 3 एंड 4, चार स्ट्रिप्स बनी हुई अलग अलग कलर की। ये कह रहा है पर्टिकुलर हर स्ट्रिप पे क्या होगा? कलर्स। स्ट्रिप्स कैसी होंगी? कलर्स की। स्ट्रिप्स कैसी होंगी? कलर्स की। और हर कलर के लिए, हर एक कलर के लिए एक पर्टिकुलर क्या है? एक पर्टिकुलर नंबर है। हर कलर के लिए क्या है? एक पर्टिकुलर नंबर है। हम उन कलर्स के उन नंबर्स को एक डेफिनेट पैटर्न में लिखेंगे, और पैटर्न क्या आपको बताऊंगी, और तो इस तरह से हमें उसका क्या मिल जाएगा? आर पता चल जाएगा। क्लियर बेटा? जैसे मैंने कोई भी नंबर लिख दिया 42 × 10⁻³, तो इसमें कितने डिजिट्स, कितने टर्म में लिखा हुआ? हमने फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर और थर्ड मल्टीप्लायर, यानी मल्टीपल इन द पावर्स ऑफ 10। तो एक तरह से हमें फर्स्ट, सेकेंड और थ्री, तीन वैल्यूज हैं यहाँ पे। तो खैर इसी तरह से कोडिंग होती है इनकी, इसलिए मैंने नंबर लिखा है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करेगी फर्स्ट स्ट्रिप को, सेकंड फिगर रिप्रेजेंट करेगी सेकंड स्ट्रिप को, सेकंड किसको रिप्रेजेंट करेगी? सेकंड स्ट्रिप को। जो 10⁻⁷ पावर है इनको बोलते हैं मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं इनको? मल्टीप्लायर। कि किसको रिप्रेजेंट करेंगे मल्टीप्लायर? थर्ड स्ट्रिप को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लायर? थर्ड स्ट्रिप को। और पीछे भी बेटा, पीछे लिखा होता है टॉलरेंस +-5%, 10% या 20%। तो अगर +-5% है तो ये होता है फॉर गोल्ड। फोर्थ स्ट्रिप कैसी हो जाएगी? गोल्ड। अगर +-10% है तो फोर्थ स्ट्रिप हो जाएगी सिल्वर। और अगर कुछ भी नहीं है, यानी कि कुछ नहीं है, अननोन है हमारी स्ट्रिप पे, कोई कलर नहीं है, तो होता है 20%। किसके लिए? नो कलर के लिए। अगर फोर्थ स्ट्रिप हो ही ना तो कितना होता है? +-20%। तो इस तरह से पर्टिकुलर हर स्ट्रिप का एक कलर होगा, कलर का एक नंबर होगा। उस नंबर को हम ऑर्डर में लिखेंगे कैसे? फर्स्ट स्ट्रिप के कलर का नंबर, सेकंड स्ट्रिप के कलर का नंबर, इनटू में थर्ड स्ट्रिप के कलर का नंबर, और हमें क्या मिल जाएगा? वो पर्टिकुलर रजिस्टर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? उस पर्टिकुलर रजिस्टर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये बात थी सिंपली कि हमें करना क्या है। क्या करना? आपको क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है। या तो आपको कलर दे दे, क्या दे दे आपको? चारों स्ट्रिप्स के कलर दे दे, आपसे रेजिस्टेंस पूछ ले। तो कलर दे दे तो उस कलर के क्या लिखो? नंबर। पहले नंबर लिखने के बाद फर्स्ट नंबर स्ट्रिप फर्स्ट डिजिट बनाएगी सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड स्ट्रिप सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, और थर्ड बनाएगी मल्टीप्लायर, हम आर निकाल देंगे। या फिर आर दे रखा हो आपको, उसे कलर पूछ लेगा, तो वही काम होगा। नंबर्स को लिखेंगे हम ऑर्डर में, उन नंबर्स के लिए क्या हम पर्टिकुलर कलर, हम कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं कि किस कलर के लिए कौन सा नंबर होगा, किस कलर के लिए कौन सा नंबर होगा। ये कहता है हमारे पास एक टेबल है, कल मैंने आपको करवाया था लेकिन पूरा नहीं हुआ था। हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कलर, क्या लिखा हुआ? कलर। ये उस कलर के लिए एक स्पेसिफाई लेटर, ये उस कलर के लिए क्या? एक स्पेसिफाई लेटर। फिर उसी कलर के लिए एक पर्टिकुलर नंबर, मैंने आपको यही कहा है कि पर्टिकुलर हर कलर का एक नंबर होता है, ये उस कलर के लिए नंबर। मे भी जरूरी नहीं है वो कलर दो स्ट्रिप हो, थर्ड स्ट्रिप भी तो है, तो थर्ड स्ट्रिप किस में जाती है? 10⁻⁴, यानी कि मल्टीप्लायर में। ये उन कलर्स के लिए क्या है? मल्टीप्लायर।
और ये है फोर्थ स्टेप के लिए, गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% और नो कलर के लिए 20%। तो देखते हैं एक बार इस टेबल को याद कैसे करेंगे। और क्या है टेबल, ये कहता है सबसे पहले हमने ऑर्डर लिया, हमारा कलर ब्लैक से स्टार्ट होकर बेटा वाइट तक आएगा। कहाँ से आएगा, ब्लैक से वाइट तक। कैसे देखो, ब्लैक देन ब्राउन, याद रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे डार्क सबसे पहले ब्लैक, देन ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर। रिपीट कर रही हूँ मैं, ऐसे याद नहीं होगा, आपको एक सिंगल लाइन बता दी जाएगी, उससे आप याद करना इनको। ब्लैक, ब्राउन, रेड, आपको सिर्फ यहाँ से याद रखना है कि फर्स्ट बी किसको प्रेजेंट करता है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट। बी बी तीन बार आ चुके, ब्लैक देन ब्राउन। पहले वाले तो ब्लैक और ब्राउन है, थर्ड वाला बी ब्लू के लिए है, जो थर्ड आएगा दोबारा से ब्लू बी, वो ब्लू के लिए है। ब्लू देन वॉयलेट, ग्रे, वाइट, जी दो बार आएगा, ग्रीन और ग्रे। तो वाइट के पास वाला जी तो क्या होगा, ग्रे होगा, ग्रे से वाइट, और येलो ब्लू के बीच में कैसा होगा हमारा, ग्रीन। हो जाएगी याद। फिर इनके लेटर्स की नोटेशन है, जो इन कलर्स के फर्स्ट लेटर हैं वही हमारी लेटर नोटेशन है। ब्लैक के लिए बी, ब्राउन के लिए बी, रेड के लिए आर, ऑरेंज के लिए ओ, ग्रीन के लिए, येलो के लिए वाई, ग्रीन के लिए जी, ब्लू के लिए बी, वॉयलेट के लिए वी, ग्रे के लिए जी एंड वाइट के लिए डब्ल्यू। क्लियर बेटा, ये हमारे लेटर्स हो गए। गोल्ड और सिल्वर के लिए हमें लेटर स्पेसिफाई नहीं किया। आगे चलते हैं हम नंबर, ये कहते हैं नंबर्स। ब्लैक जीरो से शुरू होगा, ब्लैक हमारा कहाँ से शुरू होगा, जीरो से, जीरो देन सीक्वेंस एज इट इज है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, जीरो से शुरू होकर कहाँ तक गए हम, नाइन तक। क्लियर बेटा, अब फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रिप तो इन्हीं नंबर से मिल जाएंगी। जैसे सपोज करो फर्स्ट स्ट्रिप है ऑरेंज, फर्स्ट स्ट्रिप कैसी है, ऑरेंज, तो ऑरेंज के लिए क्या है हमारे पास नंबर थ्री, तो फर्स्ट डिजिट कितनी होगी, थ्री। सपोज करो सेकेंड स्ट्रिप है वॉयलेट, सेकेंड स्ट्रिप कैसी है, वॉयलेट, तो वॉयलेट वी, वी के लिए नंबर कितना है, सेवन, तो फर्स्ट वो डिजिट कितनी बनी, टू डिजिट्स का हमारा नंबर है ना, कितनी बनी, 37। क्लियर बेटा, इस तरह से स्ट्रिप्स, फर्स्ट स्ट्रिप का फर्स्ट नंबर, सेकेंड स्ट्रिप की सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सेकेंड डिजिट। क्लियर, यहाँ से नेक्स्ट पे चलते हैं। मल्टीप्लायर, ये कह रहे जो आपने नंबर्स लिखे ना अभी अभी जीरो से नाइन तक, उन्हीं को टेन की पावर बना दिया, उन्हीं नंबर्स को क्या बना दिया, टेन रेज टू द पावर, टेन रेज पावर, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन तक हो गया हमारा। अब लास्ट में जो हमारे गोल्ड सिल्वर बचे थे उनके लिए टेन रेज टू द पावर माइनस वन और टेन रेज टू द पावर माइनस टू, क्या है उनके लिए, टेन रेज पावर माइनस वन और टेन रेज पावर माइनस टू। आपको फोर्थ स्टेप मिलेगी, टॉलरेंस के लिए होती बेटा, गोल्ड सिल्वर या नो कलर, या तो गोल्ड की या सिल्वर की या नो कलर, कोई भी कलर ना हो उस टाइम पे, जो बॉडी कलर है ना उसका रेजिस्टेंस का वही होता है हमारा। तो गोल्ड सिल्वर नो कलर, तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस है 5%, सिल्वर के लिए है 10% और नो कलर के लिए 20%। ये हमारी टेबल थी, आपको याद रखनी है। इस तरह से याद करना मुश्किल होगा, इसलिए एक लाइन लिखी जाती है, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। क्लियर बेटा, अब देखना एक बार इस लाइन से, मैं यहाँ पे मैच करवाऊंगी इस लाइन को, बी बी रॉय, आर ओ वाई रॉय, बी बी रॉय, क्लियर, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। क्या पहनती है वो, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। होगी लाइन याद, सातों के सभी के सभी कलर्स की सीक्वेंस याद होगी ना, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, हमने इस लाइन को कल मैंने लिखा था, बी बी रॉय, बी बी रॉय हैज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। क्या पहनती है वो, गोल्ड सिल्वर नेकलेस।
तो फर्स्ट डिजिट क्या था हमारे पास, बी, बी आर ओ वाई जी बी बी जी डब्ल्यू। मैं दोबारा लिख रही हूँ बेटा, इस लाइन को आप क्लियर करना। मैंने दोबारा से लिखा बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब जो जो नंबर्स हमें पर्टिकुलर उठाने हैं उनके लिए हम पर्टिकुलर वैल्यू लेके आएंगे, नंबर्स हैं हमारे पास, तो हमने इन्हीं को लिख दिया, जिससे हमारे नंबर्स में ऑर्डर में क्या आएगा, बी बी रॉय। लाइन में ही फर्स्ट डिजिट लेने बेटा इन लेटर्स के, फर्स्ट बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फिर से बी हैज वेरी गुड वाइफ, वियरिंग का डब्ल्यू नहीं लेना है, वाइफ वियरिंग गोल्ड गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर आपका कंप्लीट आ जाएगा, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। क्लियर? तो यहां से मैं आपको नंबर डालना सिखाऊंगी। ये कह रहा है फर्स्ट बी के लिए हमारा नंबर है जीरो, जीरो से चलने करना शुरू करोगे आप, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हो गए नाइन तक हमारे नंबर। अब ये नंबर जब फर्स्ट सेकंड डिजिट पे आएंगे तो एज इट इज नंबर चलेंगे, अगर फर्स्ट सेकंड स्ट्रिप है तो एज इट इज क्या होंगे हमारे नंबर, अगर आते हैं एज थर्ड स्ट्रिप तो ये टेन की क्या बन जाएंगे, पावर्स, जिसको हमने क्या बोला था, मल्टीप्लायर। जैसे अगर थर्ड स्ट्रिप आपकी येलो है तो इनटू में टेन इज पावर फोर, अगर थर्ड स्ट्रिप आपकी क्या है हमारे पास ब्लू है, देखो तीन भी हैं इस लाइन में, तीन जगह भी मैंने आपको याद करवाया था, अभी भी बी बी एक बी फिर से है, तो फर्स्ट बी ब्लैक के लिए, सेकंड बी ब्राउन के लिए, और जो आगे भी आएगा वो किसके लिए, ब्लू के लिए। जो डबल आते हैं वो थोड़े से पजलिंग होते हैं, जैसे फर्स्ट बी ब्लैक के लिए, सेकंड ब्राउन, ब्लैक ब्राउन मैच करता है ना, सबसे डार्क ब्लैक देन ब्राउन, और फिर भी कैसा आएगा हमारा ब्लू, आर रेड ओ ऑरेंज, आर रेड ओ ऑरेंज वाई येल्लो, आर रेड ओ ऑरेंज वाई येल्लो, जी ग्रीन, अब एक जी फिर से आएगा, देखो यहाँ पे फिर से जी है, तो ये जी तो किसके लिए, ग्रीन के लिए, ये जी किसके लिए, ग्रे के लिए। अब ये कैसे याद रहे, ये कह रहा है हमारी जो नाइन था वो कैसा, वाइट, तो वाइट से जो पहले वाला वो तो कैसा है, ग्रे, वाइट ग्रे वो तो कैसा है, ग्रे, और जो बीच में जी है वो कैसा हमारा, ग्रीन, जो बीच में जी है वो हमारा कैसा बेटा, ग्रीन। तो क्लियर हो, याद हो गए होंगे शायद, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट रेड वाइट गोल्ड सिल्वर, एज इट इज़ आपको नंबर्स भी याद हो गए होंगे, जीरो से लेकर कहाँ तक है हमारे नंबर्स, नाइन तक। क्लियर बेटा? अब हमको करने हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन मैंने आपको दो तरह के बताए हैं, कैसे, या तो आपको बेटा क्या दे देगा वो, या तो आपको इस तरह से समझाने के लिए बताया था ना अभी भी, या तो आपको कोई कलर्स की सीक्वेंस दे देगा कि किसी भी कार्बन रजिस्टर्स के कलर्स की सीक्वेंस है, रेड ब्लैक, कलर्स की सीक्वेंस है रेड ब्लैक एंड येलो और है हमारी गोल्ड, ये कलर्स की सीक्वेंस है, फाइंड आर, आपको आर निकालना सिंपली। तो क्या करोगे, इन कलर्स का लेटर फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट स्ट्रिप का फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड स्ट्रिप सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड स्ट्रिप 10 का मल्टीप्लायर और फोर्थ प्लस माइनस टॉलरेंस। तो रेड हमारा क्या था, बी बी रॉय, क्या था हमारे पास, बी बी रॉय, यहाँ से शुरू करना, बी बी रॉय आर ओ, तो जी किस पे आता है, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो जी रेड के लिए हमारे फर्स्ट क्या है हमारे पास, रेड, फर्स्ट हमारे पास है रेड, फर्स्ट हमारे पास कैसा कलर था, रेड, तो बी बी रॉय आर कहाँ पे आया, थर्ड
आर कहाँ पे आया, थर्ड, थर्ड के लिए नंबर कितना है टू, जीरो से शुरू होता है, बी बी रोई, तो रेड के लिए कितना नंबर है टू, तो हमने फर्स्ट फर्स्ट स्ट्रिप के लिए रेड के लिए नंबर कितना हो गया टू। देन ब्लैक, ब्लैक जीरो है, बी बी ब्लैक ब्लैक शुरू होता है, ब्लैक के लिए कितना है जीरो। नेक्स्ट क्या है येलो, येलो येलो के लिए नंबर कितना था फोर, येलो के लिए नंबर कितना है फोर। फोर्थ स्ट्रिप गोल्ड सिल्वर, गोल्ड के लिए 5% और सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%, हमने लिख दिया तीनों के सब के कलर का नंबर्स। अब फर्स्ट नंबर, फर्स्ट स्ट्रिप का नंबर फर्स्ट सिग्निफिकेंट क्या बना हमारे पास टू, सेकंड स्ट्रिप का कलर का नंबर सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 20, थर्ड स्ट्रिप के नंबर मल्टीप्लायर, तो वही नंबर क्या बन जाएगा मल्टीप्लायर 10^4 क्या बन गया हमारे पास ओम, और प्लस माइनस 10% क्या हो गए टॉलरेंस। क्लियर बेटा, इस तरह से आपको क्वेश्चन करते हैं, या तो आपको कलर्स दे देगा, आप नंबर फाइंड आउट करोगे स्ट्रिप्स में, नंबर फाइंड आउट करोगे रेजिस्टेंस बना दोगे, या रेजिस्टेंस दे देता, जैसे आपको रेजिस्टेंस दे दिया, इसी को उल्टा रीड करूँ मैं, 20 × 10^4 इन प्लस माइनस 10%। क्लियर, जैसे सपोज करो ऐसे दे रखा होता 2 × 10^5 ओम प्लस माइनस 10%, तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 को हमने लिखा 20 और एक पावर क्या कर दी कम, 20 × 10^4 भाई दोनों स्ट्रिप्स का डिजिट होने चाहिए, ए प्लस माइनस 10%, तो 2 के लिए क्या आ जाएगा हमारा रेड, 2 के लिए क्या आ जाएगा हमारा रेड, 0 के लिए क्या आ जाएगा ब्लैक, 0 के लिए क्या आ जाएगा ब्लैक, 0 से शुरू होता है ब्लैक से वाइट पे जाते हैं हम, 10^4 के लिए हमारा क्या आ जाएगा कलर येलो, और प्लस माइनस 10% के लिए क्या आ जाएगा सिल्वर। गोल्ड के लिए 5% और गोल्ड के लिए बेटा 5% और सिल्वर के लिए 10%, तो गोल्ड के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 5%। क्लियर, अगर 10 है तो क्या आ जाएगा हमारा सिल्वर। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, करें हम कुछ क्वेश्चंस। देखो भाई, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक कार्बन रजिस्टर ऑफ 4.7 kΩ, एक कार्बन रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर दे दिया 4.7 kΩ, यानी कि 4.7 × 10^3 ओम इज टू बी मार्क्ड विद स्ट्रिप्स, उप स्ट्रिप्स पे मार कर रखे हैं, और कार्बन ऑफ बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग कलर कलर्स के बैंड्स हैं, फ्राइड द सीक्वेंस ऑफ कलर्स, क्या करना है सीक्वेंस ऑफ कलर्स, तो सबसे पहले मैंने इसको क्या लिखा 47 × 10^2, पॉइंट हटा के नीचे 10, एक पावर क्या हो गई कम, 47 × 10^2 ओम। क्लियर बेटा, ये हमारे पास क्या है, कोई भी कार्बन रजिस्टर है, तो जो हमें नंबर मिले हैं, जो हमें क्या मिले हैं नंबर मिले हैं, हमें इन नंबर्स का कलर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें नंबर्स के लिए क्या फाइंड आउट करना है, कलर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें 4 के लिए, टेबल से देखो एक बार, आपको ये लाइन याद होनी चाहिए, बी बी रोई, बी बी रोई, तो 4 के लिए क्या है येलो, तो 4 के लिए क्या हो गया हमारा येलो, 4 के लिए क्या हो गया हमारा येलो कलर। मैंने इसी को लिखा 4 × 7 × 10^2। अब 7 के लिए, 7 के लिए हमारा कलर कैसा है वोलेट, 7 के लिए कलर कैसा हो गया वोलेट। क्लियर बेटा, 10^2 मल्टीप्लायर में पावर हमारा वही नंबर होती है 2, तो 2 के लिए हमारा क्या है रेड, 2 के लिए हमारा क्या है रेड। क्लियर, तो इस तरह से जो आपको कार्बन रजिस्टर दिया है उसकी कलर कोडिंग क्या हो गई, कार्बन स्ट्रिप्स आर इन सीक्वेंस, कार्बन स्ट्रिप्स आर इन सीक्वेंस ऑफ येलो फर्स्ट, वॉयलेट सेकेंड, देन रेड फॉर थर्ड स्ट्रिप। आगे रीड करना है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर, यानी कि क्वेश्चन में करंट दे दिया, कितना दिया वो करंट 5 mA इज पास्ड थ्रू ए कलर कोडेड कार्बन रजिस्टर, किसी कलर कोडेड कार्बन रजिस्टर से क्या हो रहा है पास हो रहा है, विद फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिंग्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिंग क्या क्या दे दिया, ब्लैक ऑर्डर दे दिया उनका, देन ब्राउन, और थर्ड कैसी है रेड। तो सबसे पहले मार निकालेंगे,
आर निकल जाएगा। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, आर हम यहाँ से निकाल लेंगे, आई हमें दे रखा, हम वी कैलकुलेट कर लेंगे। ब्लैक, ब्लैक के लिए हमारा नंबर कितना होता है, जीरो, बी बी रॉय। ब्राउन, ब्राउन के लिए हमारा नंबर कितना है, वन, ब्राउन के लिए हमारा नंबर कितना है, वन। रेड, रेड के लिए हमारा नंबर कितना है, बी बी रॉय। रेड के लिए हमारा नंबर कितना है, टू, रेड के लिए हमारा नंबर कितना है, टू। तो हमारा क्या था, फर्स्ट ब्लैक ब्राउन देन रेड, क्या था हमारे पास, क्या था हमारे पास बेटा, ब्लैक ब्राउन रेड। ब्लैक के लिए जीरो, ब्राउन के लिए वन, रेड के लिए टू। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, फर्स्ट स्ट्रिप्स का नंबर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर जीरो, सेकंड स्ट्रिप का नंबर सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर वन, थर्ड स्ट्रिप का नंबर 10 इज पावर मल्टीप्लायर टू। तो कितना आ गया, 1 इंटू 10 पावर 2 दैट इज 100 ओम। कितना आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस, 100 ओम। आई 5 एम्पियर, वी निकालना था, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, कितना हो गया बेटा, 5 मिली एम्पियर है क्या हमारे पास, 5 मिली एम्पियर। तो मिली के हम किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, एम्पियर में। तो कितना हो गया, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू मेरे रेजिस्टेंस कितना हो गया, 100। क्या आ गया हमारे पास, 5/10 दैट इज 0.5 वोल्ट। कितना आया, 0.5 वोल्ट। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने, क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द थर्ड बैंड, हमें सिर्फ थर्ड स्ट्रिप का कलर बताना है, ऑफ ए कोडेड रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। हम तीनों का निकालते हैं, कोडेड रेजिस्टेंस कितना दिया आपको सॉल्यूशन, क्वेश्चन में आर कितना दे रखा है, 0.34 ओम। मैंने क्या कहा है, इसको टू डिजिट्स इनटू मल्टीप्लायर की फॉर्म में लिखना सबसे पहले। तो हम इसको 0.34 को, क्या है हमारे पास 0.34, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 34 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 ओम। भाई 34 बाई 100 हो गया, तो 34 इंटू 10 पावर माइनस 2 ओम लिख सकते थे हम। तो यहाँ से हमें नंबर पता चल गया, तो फर्स्ट स्ट्रिप का नंबर 3, सेकेंड स्ट्रिप का नंबर 4 और थर्ड स्ट्रिप का नंबर कितना आया, थर्ड स्ट्रिप का नंबर है कितनी, 10 रेज टू द पावर माइनस 2। तो 3 के लिए बी बी रॉय, बी बी रॉय। तो हमारे पास थर्ड, 3 के लिए क्या आएगा, बी बी आर ओ। क्या है हमारे पास, ऑरेंज स्ट्रिप, तो याद होगी टेबल आपको, 3 के लिए क्या है हमारे पास, ऑरेंज। तो फर्स्ट स्ट्रिप का कलर कैसा होगा, ऑरेंज। नेक्स्ट कितना है, 4 आर ओ रोय, आर ओ वाई। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, येलो, बी बी आर ओ, आर ओ। 4 के लिए क्या आया, ओ के लिए ऑरेंज, के लिए 3, ओ वाई, वाई के लिए येलो 4। 10 रेज टू द पावर माइनस 2, उस मल्टीप्लायर टेबल में लास्ट में दो डिजिट्स थी हमारे पास गोल्ड सिल्वर के लिए। ये नौ तो किसके लिए थे, फर्स्ट 9 नंबर लेटर्स के लिए, देन 10 इज पावर माइनस 1 और माइनस 2 किसके लिए, गोल्ड और सिल्वर के लिए। तो यहाँ पे क्या, 10 की पावर माइनस 2, तो थर्ड स्ट्रिप का कलर कैसा हो जाएगा, सिल्वर। थर्ड स्ट्रिप का कलर कैसा हो जाएगा, सिल्वर। यही हमारा क्वेश्चन था कि थर्ड स्ट्रिप का कलर कैसा होगा, तो हमने क्या आंसर बताएंगे, थर्ड स्ट्रिप इज ऑफ सिल्वर कलर। क्लियर बेटा, ये हमारा थर्ड स्ट्रिप का कलर। इस तरह से आपको कलर कोडिंग करनी, आया समझ में।